अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप बिल्कुल खैरियत से तो आज आते हैं क्योंकि बारिश बड़ी अच्छी हो रही है हम बारिश की बात कर रहे थे उसी से मुझे ख्याल खाला है कि साड़ी की भी बात मैं अभी <laughs> बारिश और साड़ी का बहुत अच्छा कनेक्शन है क्योंकि <laughs> हमारे ऑफिस में सीढ़ियाँ होती हैं <laughs> तो मेरी कैब को फोन किया मैंने कहा आप आ रही हैं लिफ्ट बंद है आपको बता दो आप मुझे पता आप साड़ी पहनती हैं तो आप अरेजमेंट करके आइएगा कि चढ़ेंगी कैसे बट यू लव साड़ी I you saad. wear saadis, yes, I try. I always always wear wear sarees. sarees. Yes, try, try to मैंने शुरू तब की थी जब मैं 16 साल की थी wow. लेकिन okay. बाकायदा तौर पर साड़ी पहनना क्योंकि मेरी वालदा नानो Chikhar घर में सब पहनती हैं ददयाल में भी और ननियाल में mm -hmm. भी तो उनकी बहुत सारी साड़ियाँ मेरे मुझे वरसे में मिली हैं ओके आई वॉज दी ओनली वन वज़ इंटरेस्टेड तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ कहते थे, थे ना कि क्या चाहिए मैंने कहा वो साड़ी दे दें मुझे hmm. खर्ची ना दें साड़ी <laughs> दे दें <laughs> तो मेरे पास काफ़ी एक ह्यूज कलेक्शन है जो कि प्री सिक्सटीज़ कभी कभी प्री पार्टीशन साड़ीज़ भी हैं जो hmm. वो कपड़ा ही डिफरेंट है और फिर जब hmm. मौका मिलता है इंटरनेशनल ट्रैवल का तो मैं साड़ी ही ख़रीदती हूँ कोई और चीज़ नहीं

Uh, उसका हिस्सा होते थे सेलिब्रेशन uh, का तो मैं पहनती थी लेकिन जब मैं टीचर uh, uh, बनी वहाँ पे तो फिर मैंने अपना लिया जो ड्रेस आई थिंक उस मैं चौबीस साल की थी उस टाइम पे और uh, मैंने फिर उसको अपना लिया बहुत कुल लगती होंगे ये लोग आगे पीछे फिर रहे yes, होते yes, yes, to, oh God, इतना <laughs> मजा आता था होंगे अब ये <laughs> मुझे नहीं पता आई किसी के <laughs> हाँ, वैसे हिम्मत तो हुई बट पता तो चल जाता था अच्छा, अच्छा अभी समझ आ रही है मुझे लेकिन अच्छा लगता था कि क्योंकि आपको एकदम से नजर पड़ती थी आप कम से कम उसमें आ जाते थे आपके रोब में लोग आ जाते थे वो एक होता एक था एलिगेंस डाल देती है साड़ी हाँ, आपको हाँ, और अगर आप यंग भी हो तो फिर भी आप यू हाँ, नो मेचोरिटी डाल देती है अच्छा ये बताए शब्बो कैसा आया और आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि शब्बो को लोग इतना पसंद करेंगे मैं नहीं कर रही थी एक्सपेक्ट क्योंकि रोल बहुत छोटा था जिस तरह से उमेरा ने लिखा था था बहुत मुस्तनद किरदार तो जब मैंने पढ़ा तो उससे पहले <laughs> फारूक रेन मेरे ऊपर काफ़ी काम कर चुके थे अच्छा। क्योंकि वो इन द सेंस उन्होंने मुझे एक थिएटर में देखा जो मैं जजा सजा कर रही थी और वो शेक्सपियर की एक अडेप्टशन है तो उनको बहुत अच्छा लगा मेरा काम और दूर से उन्होंने मुझे देखा तो मुझे दो साल से मिलने की कोशिश कर रहे थे और अच्छा। किसी ना किसी वजह मतलब के आप उसमें स्पॉटलाइट में थी, में थी। yes. उनको पता था कि ये मुझे इनसे काम कराना है वो आते हैं वो थिएटर्स देखते हैं खामोशी से आते हैं और ये मुझे बाद में पता चला तो जब वो टैलेंट ढूंढ रहे वो ढूंढते हैं क्योंकि उनका हमेशा से तरीकेकार मैंने जितने भी उनका काम जो मुझे डायरेक्टर्स पसंद है मैं उनका काम बहुत शौक से देखती हूँ तो ऑब्वियसली ये कोई बात कहने वाली थी तो फ़ारूक उसमें से एक थे ऐसे और मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी हुई थी सिर्फ मुझे उनकी बातों का मालूम था और काम से मैं बहुत मुतासर थी mm -hmm. तो ही वॉज़ वन ऑफ दोज पीपल विच आई होम आई एस्पायर टू वर्क विद तो जब इनका मुझे फ़ोन आया थोड़ी देर के लिए तो मुझे लगा कि ये तो अजीब सी कहानी हो गई है फिर ये जब मैं एकरा में थी तो ये एक दफ़ा दो दिन का उन्होंने वहाँ पे शूट किया अभी मेरा mm -hmm. खाली उसी ड्रामे की इनकी लाइफ स्टाइल की नॉमिनेशन भी हुई हुई है प्यार के सकते? हाँ okay. उसी का वहाँ पे शूट हो रहा था mm -hmm. वो दो दिन तक यकीन माने हम फोन पे रहे पर हम मिल नहीं पाए क्योंकि oh. वो जब फ्री होते थे शूट करके तो मैं अंदर किसी काम में बिजी होती थी कोई mm -hmm. मीटिंग होती थी बाहर आल वो मुलाकात नहीं हो सकी और इवेंचुअली लास्ट दिसंबर इन्होंने कहा बस कैफ अब तो मिल ही लें तो यू mm -hmm. नो मैंने कहा अच्छा चल सही है सो वी सैट डाउन वी टॉक्ट एंड ही सेट के अगर मैं आपके लिए कोई इस तरह की चीज़ बनाऊँ तो आपको कैसा लगेगा एंड मैंने कहा ठीक है मुझे मुझे आपके साथ काम करना है मेरा ज़्यादा फोकस ये है कि मैंने देखना हाउ यू वर्क इन एन एन्वायरमेंट क्योंकि मैं खुद प्रोड्यूस करती हूँ चीज़ें और मुझे अच्छा लगता है मैं डायरेक्टर्स का थॉट प्रोसेस देख सकूँ तो जब इन्होंने मुझे ऑफ़र किया रोल तो मैंने कह दिया हाँ मुझे मैंने सोचा भी नहीं कि ये पहले मुझे जो प्रॉब्लम थी कि यह, शायद ये बहुत छोटा किरदार होगा वो मुझ मेरे दिल से वो चीज़ें ख़त्म हो गई थी क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि क्या इसको बहुत मज़े का बनाना है ओके okay. और वाकई में जब हम सेट पे जाते थे तो आ, ये टे, ये कोशिश करते थे कि चीज़ जो है वो एक तो इम्प्रोव बने हुँ हुँ और आ, जल्दी आ, उसकी जल्दी में ना कुछ हो okay. तो वो निकालते थे मतलब बॉडी लैंग्वेज मेरी उन्होंने पूरी की आ, निकाली तो जब मैं उनके साथ परफॉर्म कर रही थी तो मुझे लगा कि शायद ऑडियंस को मजा आएगा क्योंकि जब जब मैं परफॉर्म कर रही थी तो, तो ये कहका मार के हंस भी पड़ते थे कभी कभी तो मुझे लगता था कि मैं कहा फारूक इतनी छोरी बातों पे ना तुम हंस रहे हो कि मुझे मुझे अजीब कहता है नहीं नहीं कैफ आप बस मान जाएं ये लोगों को पसंद आएगा मैंने कहा ओके ठीक है आई ट्रस्ट यू सो आई एम नॉट गो क्वेश्चन दिस तो आई थिंक इट वॉज जब मुझे भी मजा आया करने का उनको भी हंसी आ रही थी तो ऑडियंस अच्छा, को पसंद आया अच्छा लगा पूरा आपका हेयर स्टाइल भी डिफरेंट है ये भी फारूक नहीं सोच लुक उसमें डिफरेंट हाँ। है वो इधर से हैं है। और, सब कुछ वो लुक हाँ। भी बड़ा तो ये अच्छा तो ये लिखा वैसे नहीं था उसकी पर्सनालिटी ऐसी लिखी हुई थी नॉवल में मैंने नावल नहीं पढ़ा है नावल में ये किरदार नहीं है ओह जो ओरिजिनल नावल है उसमें किरदार नहीं है किरदार है ही नहीं शब्दों का बिल्कुल भी नहीं ये तो है ये नहीं था मुझे। पर ये डाला गया किरदार और इसलिए जब मुझसे बात इसके बारे में शुरू हुई तो मुझे मुझे किसी ने ये मैसेज जरूर पहुंचाया था कि उमेरा का ये कहना है कि किसी ये किरदार छोटा ज़रूर है लेकिन इसमें किसी कैरेक्टर एक्टर को आप कास्ट करें नॉन एक्टर को मत कीजिएगा ओके okay. तो जिसपे जब मुझसे बात हुई तो मुझे लगा कि अगर राइटर ने भी कुछ सोच के इसको हाँ, डाला है और डायरेक्टर भी इसके ऊपर काम कर रहा है क्योंकि इतना कोलैबोरेटिव प्रोसेस होता है ये बनाना जो भी हमारा मीडिया का जितना भी जॉनर है हम जो बनाते हैं वो जब मैंने देखा कि राइटर भी सोच रहा है इसके बारे में डायरेक्टर भी सोच रहा है और वो मेरी तरफ आना चाह रहे हैं क्योंकि मैं थिएटर करती हूँ तो आई कुड अंडरस्टैंड कि वो और मेरा थिएटर जो होता है वो बड़ा एनर्जेटिक होता है उसमें भागना ये कॉमेडी टाइमिंग बहुत होती है उसमें आ, बहुत ज़्यादा पैथोस भी होता है तो आ, अगर ये लोग मुझे एम्प्लॉय करने की कोशिश कर रहे हैं इसके लिए इसका मतलब है कि कुछ है इस इस कैरेक्टर में भी कुछ मटीरियल हाँ तो hmm. इसलिए वो जब हमने बल्कि जब शब्बो का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ तो मैंने कुछ फीडबैक देखा जिन्होंने नावल पढ़ा हुआ है एंड दे गॉट ऑडियंस गॉट वेरी अपसेट कि ये कहाँ से क्यों ले आए हैं आप लोग यू नो बिकॉज दे वांटेड टू सी के वो जो कहानी चल रही है hmm. पर uh, मुझे लगता है इस कैरेक्टर के आने से दोनों राइटर्स और डायरेक्टर्स ने बड़ी मिस्ट्री क्रिएट yeah. कर दिए उस टाइम yeah. पे भी हमें मिस्ट्री क्रिएट हो की मैंने पूरा स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा था uh -huh. मैंने नावल भी नहीं पढ़ा हुआ uh -huh. पर मैंने कहा मुझे और मैं पूरा स्क्रिप्ट पढ़ती भी नहीं हूँ मैं कहती कह मुझे सिर्फ अपने सीन्स दीजिए okay. और मैं कॉन्टेक्स्ट में देख लेती हूँ डायरेक्टर से बात करके कि अच्छा ये कहाँ से इमोशन आ रहा है ये क्यों ये लाइन बोल रही है uh -huh. लेकिन अभी मैं भी मिस्ट्री में जा रही हूँ कि कहानी किस तरफ जा रही है आपको नहीं पता मुझे नहीं पता तो मुझे मुझे सिर्फ यही पता है मैंने जो सीन्स किए हैं तो उसके स्निपिट्स मुझे पता हैं लेकिन आई डोंट नो द होल स्टोरी और शायद हम अपनी जिंदगियाँ भी ऐसे गुजारते हैं <laughs> मुझे लगता है कभी कभी ना वो मेहरीन की एजेंट लगती है मुझे एजेंट हाँ वो सबकी एजेंट वो ना <laughs> वो जिस तरीके से जाके उसकी नजर मशल के हर कामों पे होती है ना और वो सब चीजें देख रही होती है लेकिन मेहरीन की हेल्प नहीं करती है वो hmm. ये बड़ा मुझे ना उससे बड़ा शिकवा रहता है उससे <laughs> बट क्या है शबो वो ऑन पर्प कंफ्यूज कर रहे हैं ऑडियंसेस को क्योंकि हाँ शबो नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है जितना मुझे समझ आ रही है उसकी स्ट्रीक्स हैं डिफरेंट सो बट वो नेगेटिव नहीं है तो आउट एंड अबाउट जाके बुरा काम भी करती हाँ। लेकिन वो बुरा काम गलत होते हुए देखती है तो वो चुप भी रहती है तो ये मुझे होती है क्यूरोसिटी के वो लाइक like वो महरीन के लिए इतनी रात को थके हुए होने के बाद वो अंबिया तोड़ के वो उसका अचार बना के उसके लिए करेगी एफर्ट करेगी लेकिन फिर वो उसकी माम, मामी के साथ बिल पे उसकी ठुकवाई भी कराएगी हाँ। और वो देख रही कि मशल ने उसका वो इन्हेलर ले लिया कुछ करेगी हाँ। तो ये क्या है इसके पर, इसके पीछे इसको इसको हम क्या ग्रे कैरेक्टर बोलेंगे या ये रखा ही इसलिए कि ऑडियंस कंफ्यूज होती है ऐसे मेरी तरह इधर से उधर जंप करती है मेरा ख्याल है इंटरेस्ट लेवल तभी डेवलप होता है जब आप किसी कैरेक्टर को की स्पून फीडिंग ना कर रहे हो ऑडियंस की तरफ और ये बड़ा कोशिश की है फारूक ने इसको मेंटेन करने hmm. के थ्रू आउट सेट के ऊपर सब कैरेक्टर्स के साथ फारूक okay. ने यही ट्रीटमेंट रखा है अभी जैसे जैसे आप देखेंगे अब सबकी जो भी उतार चढ़ाव आएगा अभी आगे एपिसोड्स में उसमें बहुत सारे रंग निकल के वापस नज़र आएंगे आपको तो मेरा ख़्याल है ये एक शब्बों का जो कैरेक्टर है चूँकि ये बचपन से यहाँ पर है और शायद जो एक गुमान था हमें कि इस कैरेक्टर की एज शायद तीन चार साल के फर्क से बड़ी है ये बाकी कैरेक्टर से जो बच्चे थे उधर तो इसकी मेचोरिटी का लेवल फिर बच्चे होकर आई एम श्योर इसकी कहीं ना कहीं जेलसी थी कि इस उम्र में मैं इनको क्यों केटर कर रही हूँ क्योंकि वो कर रही है किचन में काम कर रही है पर ये दोनों लड़कियाँ और ये लड़का जो है दे आर बी केटर बाय हर